Hello students, now we are going to start our chapter number 4, motion in a plane. In the previous chapter we have discussed about the motion, what is motion, when a body change its location with respect to time. Also we discuss in chapter 3 that we have the three type of motion: one dimension motion, two dimension motion and three dimension motion. तो वहां आपको अच्छी तरह से बताया गया था कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करती है, सीधे चलती है. टू डायमेंशन मोशन, जब बॉडी एक ही टाइम में दो डायरेक्शन में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू डायमेंशन मोशन. और जब बॉडी एक ही वक्त में तीन डायरेक्शन में चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन. ओके, तो थोड़ा सा एक बार आपको बता देते हैं मोशन इन अ प्लेन. तो हमने आपको बताया था कि जो मोशन होता है, मोशन वी हैव द थ्री टाइप ऑफ मोशन. सबसे पहले होता है वन डायमेंशन मोशन, एक होता है टू डायमेंशन मोशन, और थर्ड कैटेगरी होती है थ्री डायमेंशन मोशन. थ्री डायमेंशन मोशन, ओके. तो जो फर्स्ट डायमेंशन मोशन होता है वो क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन होता है कि जब बॉडी सीधी चलती है, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसके केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज होता है. किसी भी बॉडी के लोकेशन को हम तीन तरह से, हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये हो गया ओरिजिन. तो जब कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चलती है, या हम ये कहें व्हेन देयर इज द चेंज ओनली इन वन कोऑर्डिनेट. ठीक है, जब कोई बॉडी केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है विद टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशन मोशन. देख लीजिए, जैसे सपोज कीजिए ये कार है, ध्यान दीजिए, लेट सपोज ये हमारी, वी हैव अ कार. ओके, अभी ये जो कार जिस लोकेशन पे है, ठीक है, मैं उसको ले लेता हूं ओरिजन. ठीक है, मैं ये जो कार जिस लोकेशन पे है उसको मैंने ले लिया ओरिजन. तो ये हो गया एक्स, वाई और जेड. ठीक है, ये कार रेस्ट पे है, और जहां भी ये रेस्ट पर है उसको मैंने क्या ले लिया, ओरिजन. अब ये कार चलना शुरू करती है, वन सेकंड, टू सेकंड, थ्री सेकंड, मतलब इस तरह से चलती है. और मान लीजिए ये कार थोड़ी देर बाद यहां आ जाती है. ओके, तो बताइए जब ये कार यहां से यहां आती है तो किस कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, केवल एक ही कोऑर्डिनेट में चेंज हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट में. ना ये वाई में मूव करती है, ना ये जेड में मूव करती है. तो इसका मोशन क्या हो गया, वन डायमेंशन. क्लियर हो गया. चलिए अब हम बात करते हैं टू डायमेंशन मोशन की. मान लीजिए, लेट सपोज ये एक फुटबॉल है, वी हैव अ फुटबॉल, और जहां ये फुटबॉल रखी है, मान लीजिए ये फुटबॉल इस वक्त ग्राउंड में रेस्ट पर रखी हुई है. ओके बेटा, तो ये रेस्ट पे है, और इस लोकेशन को मैं क्या ले लेता हूं, ओरिजन ले लेता हूं. अभी ये फुटबॉल रेस्ट पे है, तो मान लीजिए ये हुआ एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, और ये हमारा जेड कोऑर्डिनेट. अब क्या हुआ, एक प्लेयर आता है, ये फुटबॉल अभी रेस्ट पे है, एक प्लेयर आता है, और आते ही इसको क्या करता है, फुटबॉल को किक करता है. तो ये फुटबॉल देखिए कैसे मूव करती है, ये फुटबॉल जैसे इसको किक करता है, मान लीजिए प्लेयर आया और उसने अपने पैर से उसको यहां पे किक किया फुटबॉल को, तो ये फुटबॉल ऐसे हवा में ऐसे जाती है, जैसे किक किया फुटबॉल ऐसे मूव करती है. इसको बोलते हैं पैराबोलिक मोशन. ठीक है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. तो मान लीजिए फुटबॉल जब चली, कभी वो फुटबॉल इधर भी होगा, फुटबॉल यहां भी होगा, इधर भी होगा, और फुटबॉल ऐसे हुआ. तो देखिए, जब फुटबॉल इस लोकेशन पे आया, तो जरा ध्यान देना,
फुटबॉल ने क्या एक्स में भी मूव किया और फुटबॉल ने वाई में भी मूव किया। देखिए फुटबॉल जब ए लोकेशन से बी लोकेशन तक आया, मान लीजिए वो शुरू में कहां था, ए, ए पर उसको किक किया गया, फुटबॉल कहां गई बी पर, तो ए से बी जाने पे फुटबॉल के कितने कोऑर्डिनेट में चेंज आया, फुटबॉल एक्स में भी आगे बढ़ती है और फुटबॉल वाई में भी आगे बढ़ती है। ओके, फिर ये फुटबॉल बी से कहां गई सी में, तो देखिए जब ये सी में आती है तो फुटबॉल एक्स में भी आगे बढ़ रही है और वाई में भी मूव कर रही है। तो यानी फुटबॉल का जो मोशन है वो कैसा मोशन है, टू डायमेंशन, वो एक ही वक्त में एक्स में भी चलती है वाई में भी चलती है, इज दैट क्लियर, हॉरिजॉन्टल भी चलती है और वर्टिकल भी चलती है। तो इस फुटबॉल का मोशन क्या हुआ, टू डायमेंशन मोशन, और इस मोशन को हम बोलते हैं बेटा पैराबोलिक मोशन, पैराबोलिक मोशन। तो कोई आपसे बोले टू डायमेंशन मोशन का, टू डायमेंशन मोशन का एग्जांपल बताइए, तो टू डायमेंशन मोशन का एक एग्जांपल क्या हो गया, पैराबोलिक मोशन। इसका नाम पैराबोलिक मोशन क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये फुटबॉल चलती है तो ये कैसा पाथ कवर करती है, पैराबोलिक पाथ कवर करती है। जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं वहां उनको पढ़ाया जाता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोलिक, हाइपर पैराबोलिक, ठीक है, तो वो समझ जाएंगे। तो इस तरह का जो कर्व होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक बोलते हैं, और चूंकि फुटबॉल पैराबोलिक पाथ में चलती है तो इसलिए मोशन क्या कहलाता है, पैराबोलिक मोशन, या इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। देख लीजिए दो नाम है, या तो हम इसको पैराबोलिक मोशन बोलते हैं, या सबसे अच्छा जो नाम है जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर हो गया, ओके। चलिए हम एक बात और देख लेते हैं, मान लीजिए आपने झूला देखा होगा, सपोज कीजिए, देख आपने देखा होगा एक जॉइंट व्हील होता है ये ऐसा, उसमें कुछ बॉक्स बने होते हैं, ठीक है, बच्चे उस बॉक्स में बैठते हैं और वो झूला ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर जाता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, आपने कभी, आप में से कुछ लोग बचपन में झूले होंगे। तो मान लीजिए ये बॉक्स है, इसमें, ठीक है, ये बॉक्स, इसमें मान लीजिए आप बैठ जाते हैं, ठीक है। अब ये झूला फिलहाल इस कंडीशन को मैं क्या ले लेता हूं, रेस्ट पे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बात समझ आ गई, निगेटिव एक्स एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस। चलिए इस लोकेशन को ले लेता हूं मैं ए, ए यानी ओरिजिन। अब जब ये झूला चलता है तो ये झूला ऐसे ऐसे चलता हुआ ये कभी ना कभी ये बॉक्स यहां पहुंच जाएगा, इस लोकेशन को कह दीजिए भी, तो जब ये घूमता घूमता ये ऐसे 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 पहुंच गया, तो देखिए क्या हुआ इस लोकेशन में, ये जब ए से बी गया तो कैसे मूव करता है, वाई में भी मूव करता है और एक्स में भी मूव करता है। देखिए क्लियर हो गई बात नहीं, और जब ये बी से कहां आएगा, सी पर आएगा, तो भी ये क्या करता है, एक्स में मूव करता है और वाई में मूव करता है। तो इस झूले का मोशन भी क्या हुआ, टू डायमेंशन मोशन, और इस झूले का मोशन क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन, क्या कहलाएगा, सर्कुलर मोशन। तो कोई आपसे बोले टू डायमेंशन मोशन के कोई भी दो एग्जांपल बताइए, गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशन मोशन, तो एक तो क्या हुआ प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके, और एक क्या हुआ सर्कुलर मोशन, और इस चैप्टर में हम इन दो मोशन को बहुत ही डीपली स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया। थ्री डायमेंशन मोशन क्या होता है, थ्री डायमेंशन मोशन का मैंने एक शॉर्टकट बताया था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसका कॉन्टैक्ट अर्थ से ना हो, ये मैंने एक शॉर्टकट बताया था, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन मोशन, जैसे मोशन ऑफ प्लेन। कोई आप समझे एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन स्काई, या एक बर्ड है हवा में उड़ रही है, या एक काइट है वो हवा में उड़ रही है, तो बताइए इनका मोशन क्या है, तो तीनों का ही मोशन क्या होगा,
थ्री डायमेंशन, ये एक शॉर्टकट याद करने का। तो वन डायमेंशन मोशन, अ कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, टू डायमेंशन मोशन, पैराबोलिक मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन, एक ही बात है। और इसका एक दूसरा एग्जांपल क्या बताया, सर्कुलर मोशन। थ्री डायमेंशन मोशन, मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ प्लेन, मोशन ऑफ बर्ड। ओके, अब आप कहेंगे सर तीनों मोशन क्लियर हुए। अब जरा बेटा ध्यान से सुनना, वन डायमेंशन मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, समझ लीजिए। वन डायमेंशन मोशन क्या है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और टू डायमेंशन मोशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन, यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, देखिए मोशन इन अ प्लेन बोलिए या क्या बोलिए, टू डायमेंशन मोशन। तो एकदम दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, यानी आपको क्या पढ़ना है, टू डायमेंशन मोशन पढ़ना है। पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी आपने क्या स्टडी किया था, वन डायमेंशन मोशन, मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन या वर्टिकल अपवर्ड मोशन या वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, ये सारे क्या थे, वन डायमेंशन मोशन। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन, या क्या बोलेंगे हम इसको, टू डायमेंशन मोशन। इज दैट क्लियर बेटा? तो अब दिमाग में क्लियर हो गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लेन में जो मोशन होता है वो क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन, और उसके दो एग्जांपल टू डायमेंशन मोशन के, एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन और एक सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में ये दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले कुछ टर्म, कुछ नॉमिक्लेचर हमें पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे, देन वी विल कम टू दिस। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा अभी कि चैप्टर नंबर 4 क्या है, मोशन इन अ प्लेन, यानी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, टू डायमेंशन मोशन वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो इफ एनीबडी विलिंग टू मेक दिस नोट्स, करना चाहिए, लिखना चाहिए, कोई भी चीज अनइम्पॉर्टेंट नहीं होती, हर बात इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आप देखें, जो भी सीखें, उसको राइट डाउन करें। तो आई थिंक दैट इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। We have the three type of motion, one dimension, two dimension, three dimension. One dimension क्या होता है? Motion in a straight line को ही one dimension कहते हैं. Two dimension, motion in a plane को ही क्या बोलते हैं? Two dimension. Three dimension अभी आपके syllabus में नहीं है. जब आप higher study करेंगे, then you will go through it. Two dimension के example, projectile motion और circular motion, जो हमारे syllabus में है. We will go deeply through these two topic. लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हमें सीखनी है। तो आई थिंक दैट यू हैव रिटन ऑल दिस, चलिए नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें इसमें जो सीखना है, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, सभी बच्चों को समझ में आ चुका है कि हमें इस चैप्टर में क्या सीखना है। हमें इस चैप्टर में टू डायमेंशन मोशन सीखना है। ओके, और टू डायमेंशन मोशन में भी कौन से दो मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ये बिल्कुल बच्चे को क्लियर होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 4 करने का मकसद क्या है। चैप्टर नंबर 4 करने का मकसद है कि हमें प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन सीखना है, क्योंकि दोनों ही क्या है, टू डायमेंशन मोशन है। ओके, सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। ठीक है, तो आई थिंक दैट चैप्टर नंबर 3 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एब्रीवेट कर लेते हैं। तो क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर, लेट्स सी। स्केलर कौन होते हैं, व्हाट आर स्केलर। तो स्केलर द फिजिकल
क्वांटिटी विच नीड ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन। ओके, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको बताया था फिजिक्स में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर। मान लीजिए आप दुकान पे गए और आपने दुकानदार से कहा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो वो एकदम बात समझ जाता है, आपको उसे कुछ और कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो 2 किलो चीनी आपको दे देता है। अगर कोई आपसे कहे यानी मास, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर आप किसी से कहते हैं कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, वो कहता है 9 o'clock, आप बात समझ जाते हैं। अब जब आपने किसी दुकानदार से कहा कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, तो क्या आपने आपने क्या रिप्रेजेंट किया, केवल मैग्नीट्यूड 2 किलोग्राम। क्या आपने वहां डायरेक्शन की बात करी, क्या आप कभी ऐसा कहते हैं दुकानदार पे, दुकान में जाके दुकानदार से कि मुझे 2 किलो चीनी ईस्ट में दे दो या मुझे 2 किलो चीनी वेस्ट में दे दो, ऐसा नहीं बोलते ना, केवल मैग्नीट्यूड बोलते हैं, काम बन जाता है। ऐसे अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द टाइम राइट नाउ, आप बोलते हैं इट इज 9 o'clock, सामने वाला बात समझ जाता है। क्या आप कभी ऐसा जवाब देते हैं कि इट इज 9 o'clock इन ईस्ट या इट इज 9 o'clock इन वेस्ट, ऐसा कोई जवाब नहीं देते। यानी टाइम भी क्या है, एक टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, बात समझ आ गई। और डिस्टेंस, ये हम सारी चीजें चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटी। और इनके अलावा भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम फिजिक्स को आगे पढ़ते जाएंगे वी विल गो थ्रू सच काइंड ऑफ क्वांटिटीज। तो क्या ये बात आपको समझ आ गई। अब जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखनी है ये समझ लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, कि जब भी हम स्केलर क्वांटिटी के ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, आप किन्हीं भी 2 स्केलर क्वांटिटी को चाहे ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए, या किन्हीं भी 2 स्केलर क्वांटिटी को आप किन्हीं भी 2 स्केलर क्वांटिटी को चाहे ऐड करें चाहे उन्हें सब्ट्रैक्ट करें चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, आंसर में आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ लीजिए इस बात को। एडिशन ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्केलर। अगर आप किन्हीं भी 2 स्केलर क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलती है। सुनने में बड़ा इजी लगता है लेकिन समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे मैं कहता हूं मास 10 किलोग्राम माइनस 2 किलोग्राम स्केलर, स्केलर तो क्या आएगा 12 किलोग्राम, स्केलर को स्केलर के साथ ऐड किया तो क्या मिला स्केलर। ऐसे ही अगर हम सब्ट्रैक्शन करें, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटी, तब भी आपको क्या मिलेगा स्केलर, यानी 10 मीटर माइनस 2 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। स्केलर को स्केलर से माइनस कीजिए स्केलर ही मिलेगा। अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन ऑफ, ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटी इज ऑल्सो स्केलर, एंड डिवीजन ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटी, अगर हम 2 स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करें तो भी हमें क्या मिलेगा स्केलर। जैसे मैं बोलता हूं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है बेटा स्केलर क्वांटिटी, टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी, डिवाइड कीजिए क्या मिलेगा स्पीड, तो स्पीड भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी।
यानी आप स्केलर क्वांटिटी के साथ किन्हीं भी दो स्केलर क्वांटिटी के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, रिजल्ट में आपको स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। तो ये एक नई बात आपको सीखनी थी। तो आई थिंक दैट वी हैव डन अबाउट द स्केलर क्वांटिटी, नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए अपने, ठीक है, काम आ सकता है आपके ये सारी बातें। कई बार छोटी छोटी बातें आपसे पूछ ली जाती है। ओके, नाउ कम टू द मेन टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट आर वेक्टर? तो वेक्टर क्या होते हैं? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब बात आती है, जैसे इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है, वैसे तो और भी होते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, आगे बढ़ेंगे इसको। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये टर्म आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैंने इनको लिखा है। तो यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, वेक्टर क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे। समझिए, ये तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेटा, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। सपोज मान लीजिए, लेट वी हैव अ वेक्टर ए, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक वेक्टर है ए, ठीक है, इसके ऊपर एरो लगाया, ये साइन होता है वेक्टर का। तो जब वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने आपको बताया था दिस इज, ये हमारी कोई, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? एरो लगा देते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो इसको बोलते हैं मोड ए, ये जो मैंने बनाया है इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। प्रोनाउंस कीजिए इसको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझे बात आ गई? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो बताइए मैंने क्या लिखा? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इज दैट क्लियर? चलिए यहां भी हम वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है, इनटू ए कैप, क्या लिया हमने? ए कैप। तो ये जो ए कैप है इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। देख लीजिए, तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड की हेल्प से। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को हम कैसे करते हैं?
कैब के अलग से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जवाब देंगे, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी बताइए, तो आप एकदम बोलेंगे मॉड पी के। क्लियर हो गया? अगर मैं आपसे बोलूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स, तो आप बोलेंगे मोड ऑफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स या मोड एक्स, पूरा नाम मॉडुलस ऑफ एक्स, शॉर्टकट में मोड एक्स। क्लियर हो गया? आप जरा मुझे, अगर मैं आपसे बोलूं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी, तो आप बोलेंगे पी कैप, और अगर मैं बोलूं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एक्स, तो आप बोलेंगे एक्स कैप। समझ में बात आ गई? अगर किसी भी वेक्टर का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाए, आपको एक वेक्टर दिया जाए और आपसे कहा जाए मैग्नीट्यूड निकालिए, तो यानी आपको क्या निकालना है, उसका मॉडुलस। अब ये मॉडुलस कैसे निकलता है, ये हम आपको सिखाएंगे, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर किसी भी वेक्टर का आपसे क्या पूछा जाए, मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया जाए और आपसे कहा जाए मैग्नीट्यूड निकालिए, तो दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए क्या निकालना है, उसका मोड। और अगर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी जाए, तो यानी उसका कैप, वेक्टर कैप, ये निकालना है। ओके, न्यूमेरिकल करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट तो क्लियर हो गया भी करना क्या है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। डन बेटा? चलिए ओके, तो ये हमने आपको सिखाया किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके चलिए, अब एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं तो आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर ने हमें क्या बताया है। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको एकदम स्ट्राइक क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं कहता हूं इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2y प्लस 3j प्लस का k, ये मैंने कोई भी आपको एक वेक्टर दे दिया, ठीक है? आप कहेंगे सर ये आई जे के क्या होता है? बेटा आई का मतलब होता है एक्स एक्सिस, नोट कर लीजिए काफी काम आने वाली बात है। जे का मतलब होता है वाई एक्सिस और के का मतलब होता है जेड एक्सिस, ये अभी नोट कर लीजिए आगे काम आएंगे। एक वेक्टर ए है 2y प्लस 3j प्लस k, इसका मतलब x में उसकी वैल्यू कितनी है 2, y में कितनी वैल्यू है 3 और k में कितनी वैल्यू है 1, और आपसे कहा गया है फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए सिंपल सा सवाल, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था, आपसे क्या पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ ये, एक वेक्टर गिवन और आपसे क्या पूछ लिया उसका मैग्नीट्यूड। तो जो समझदार बच्चा होगा वो एकदम स्ट्राइक करेगा कि सर हमें तो मोड ऑफ वेक्टर ए निकालना है, ए के मैग्नीट्यूड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब ये कैसे निकलेगा ये सीख लीजिए, देख लीजिए, मोड ए इज इक्वल टू, देखिए ये कैसे निकलेगा, ठीक है समझिए। सबसे पहले बनाइए स्क्वायर रूट, देखो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, आई के साथ देखो क्या दिखाई दे रहा है 2, तो जो भी आई के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, जे के साथ क्या है 3 उसका स्क्वायर कर दो, और के साथ क्या है 1 तो उसका स्क्वायर कर दो, और बेटा बीच में लगा दो प्लस। अब आपको बोला सर जरूरी थोड़े ना सब प्लस हो, लो तुम्हारी बात मान लेता हूं, मान लीजिए हाँ माइनस होता, ठीक है, तो i के साथ क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर, j के साथ क्या है माइनस 3 तो बेटा माइनस 3 का स्क्वायर कर दे, k के साथ क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में रख के स्क्वायर करते और बीच में क्या लगा दिया प्लस, तो 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 14, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझो बात आ गई, क्लियर हो गया? चलिए क्या सीख लिया आपने, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, इज दैट क्लियर? चलिए
इफ पी इज इक्वल टू, जरूरी नहीं हर बार वेक्टर को ए ले, बी सी डी ई एफ पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आई माइनस जे माइनस के, चलिए इसको करके दिखाइए। इफ पी इज इक्वल टू दिस फाइंड द मैग्नीट्यूड, दो लाइन का सवाल, मेरे से पहले आप कर लीजिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, मोड पी, और मोड पी क्या होगा अंडर रूट, आई के साथ क्या है वन, वन का स्क्वायर, जे के साथ माइनस वन, के साथ माइनस वन, ओके स्क्वायर, बीच में क्या लगा दो प्लस, वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू रूट थ्री। तो मेरे ख्याल से बेटा आपने क्या सीखा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया, अब क्या बचा डायरेक्शन, चलिए वो देख लीजिए। ओके इसी सवाल को आगे लेके चलते हैं, इफ पी इज इक्वल टू दिस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ पी, चलिए पी की डायरेक्शन हमें निकालनी है तो कैसे करेंगे समझ लीजिए, डायरेक्शन ऑफ पी, सबसे पहले तो बताइए पी की डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी कैप से, इज दैट क्लियर। अब ये जो पी कैप है इसका फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना तो सीख गए, अब आप कहेंगे सर एक बार इसका फॉर्मूला बता दो, तो पी कैप आएगा बेटा वेक्टर पी ओवर किसी की भी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर दो, इज दैट क्लियर। तो पी की वैल्यू क्या है आई माइनस जे माइनस के, और बेटा अभी थोड़ी देर पहले इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था रूट थ्री, दिस इज द आंसर। तो मैंने आपको दो चीजें सिखा दी हैं, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकलती है और उसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकलती है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर एंड द ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, यानी हाउ मेनी टाइप ऑफ वेक्टर, हमारे कैसे कैसे वेक्टर होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर, और वेक्टर पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं, यानी प्लस का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं स्केलर पे चार ऑपरेशन लगते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, लेकिन वेक्टर पे डिवीजन का ऑपरेशन नहीं होता, केवल प्लस का माइनस का और मल्टीप्लाई का होता है, वेक्टर के लिए डिवीजन का ऑपरेशन नहीं होता। ओके चलिए, सो मीट टू द नेक्स्ट वीडियो।